फिरोजाबाद विशेष न्यायाधीश पॉस्को अरविंद कुमार यादव ने शनिवार को एक फैसले में 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के आरोपी को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त वीरेंद्र भगेल को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसका दम ना निकले। दरअसल दो वर्ष पूर्व थाना लाइन पार में 25 अप्रैल 2019 को एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी ने बच्ची की मौत के बाद भी दुष्कर्म किया और ईंटों से उसका चेहरा कुचल दिया। पुलिस ने अभियोग दर्ज करने के बाद आरोपी की निशानदेही पर लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 11 गवाहों ने गवाही दी। शासन की ओर से पैरवी में विशेष लोक अभियोजक पॉस्को कमल सिंह ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। न्यायाधीश अरविंद यादव ने अपने निर्णय में कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य राक्षसी और क्रूरता भरा है और अमानवीय है, जिसके लिए अभियुक्त को कोई पश्चाताप भी नहीं है। घटना के समय पूर्ण वयस्क अभियुक्त के अंदर सामान्य मानवता भी नहीं थी और उसका मस्तिष्क किसी भी प्रकार के सुधार से परे है। अभियुक्त ने 11 वर्षीय बच्ची का सिर ईंटों से कुचला है, इससे अभियुक्त की पशुता दर्शित होती है। अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य मानवता को शर्मसार करने वाला है। न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त को मृत्यु दंड देने पर ही न्याय संभव है, ताकि समाज को और अपने बच्चों को ऐसे नरपिशाचों से बचाया जा सके। आज जो है निर्णय हुआ है, ये क्या मामला था, किसकी अदालत में था और क्या निर्णय हुआ है और समाज में इसका क्या मैसेज है? ये घटना एक 10 साल की बच्ची के साथ हुई थी 25/4/2019 को। इसमें अभियुक्त वीरेंद्र भगेल पुत्र हरिराम निवासी संतरंगा थाना लाइनपा थाने की घटना है ये। तो इसमें 10 साल की बच्ची को वो बेला फुसला के खंडर में ले गया और उसने उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार के उससे रेप किया। रेप करने के बाद वो बच्ची चिल्लाई तो उसने उसका ईंटों से मांस कुचल के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पुनः रेप किया। ये मुकदमा माननीय न्यायालय FTC कोर्ट फर्स्ट श्री अरविंद कुमार यादव जज साहब के यहाँ हुआ, उसमें सुनवाई हुई। प्रोसिक्यूशन तरफ से 11 गवाह पेश किए गए। इसमें आज जज साहब ने उसमें मृत्युदंड की सजा सुनाई है और ये तक लिख दिया है कि अभियुक्त को फांसी के फंदे पर इतना लटकाया जाए जब तक इसकी दम न निकल जाए। हम जनपद के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, तो उस मंदिर से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्रीमान संजीव फौजदार साहब के नेतृत्व में पूरे जनपद की जो अपराध की फाइलों का विचारण चल रहा है, उसी पृष्ठभूमि में आज पॉस्को फर्स्ट श्रीमान अरविंद यादव साहब के जो जज साहब हैं, उन्होंने बृहद एक ऑर्डर किया है फांसी का, जिसमें नाबालिग बच्ची का रेप किया उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो सबसे पहले वो बधाई के पात्र हैं और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और जिले की पुलिस और सारे उत्तर प्रदेश के प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन है, प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन पक्ष है, उसको भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने, और कमल सिंह जी जो ADGC हैं इस कोर्ट में, उनको विशेष रूप से बधाई दूंगा जिन्होंने कड़ी मेहनत करके जो गवाहों को सक्षम तरीके से पेश किया। और निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र, और इसका संदेश ये होगा समाज में कि इतना जघन्य अपराध करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। और इससे जनपद से ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि अपराधियों के जो हौसले हैं वो निश्चित रूप से पस्त होंगे, अपराध मुक्त प्रदेश और देश बनेगा। ऐसा सरकार का भी संकल्प और हमारा भी उसी संकल्प के साथ है।